मैं गुलाब चंद गमार, गांव उपलापुजा, ग्राम पंचायत जेड, तहसील कोटड़ा। रात को जो घटना घटी, जो मेरी पत्नी थी उसको डिलीवरी का टाइम पीरियड पूरा होने हो जाने की वजह से घर से अस्पताल की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में रोड खराब होने की वजह से पैदल पैदल जा रहे थे पकड़ के, और अंधेरी रात थी। फिर वहाँ जाकर चलते हुए एम्बुलेंस को फ़ोन किया 7 बार तो कॉल नहीं उठाया। विमला मैडम को कॉल किया तो उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर रास्ते में ही मेरी पत्नी सीमा देवी की डिलीवरी हो गई और बच्चा बेहोश था। फिर टैक्सी की व्यवस्था करके कमासन मकना की टैक्सी लेके मांडवा उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचाया। वहाँ जाके डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये रोड की समस्या होने की वजह से ऐसा सब। कितना रास्ता है ये? ये 5 किलोमीटर रास्ता है खराब। तो इसको ठीक क्यों नहीं किया गया है? ठीक कई वर्षों से हमारे दादा परदादा अधिकारी को रिपोर्ट लिख के थक गए, मर गए। आज हम इतनी उम्र हो गई लेकिन इस गांव की कोई सुविधा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम अच्छे से अच्छे लोगों के लिए रोड की, हमारी डामरीकरण रोड होना चाहिए। तो ये सड़क नहीं बनने की वजह से क्या क्या आपको समस्या आती है गांव में रहते हुए? लाइट नहीं लग रही है, पानी की समस्या है, और कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। हर तरह के कोई मेहमान आते हैं तो गाँव गुजरात में देखो, दूसरे गाँव में रोड बने हुए हैं, तो पैदल चलने की वजह से कोई हमारे गांव वालों को शादियां भी नहीं करते हैं। तो बच्चा मर गया, औरत मर जाती, ये तो बच्चा मर गया, यहाँ मेरी पत्नी मर जाती तो मेरे गांव की ऐसी की तैसी हो जाती है और पूरा गांव की हालत खराब हो जाती है और मेरे को जेल जाना पड़ता। आजकल आदिवासियों का रीति रिवाज अलग ही है। क्या रीति रिवाज अलग है, क्या होता है? तो फिर वो तो आरोप लगाते हैं कि ये तो मार दी होगी कि कुछ कर दिया होगा, इसलिए नहीं तो अस्पताल ले जाते तो बच जाती, अस्पताल ले जाते तो रोड। कौन आरोप लगाता है? आरोप कौन लगाता है? आरोपियर पक्ष लगाती। क्या बोलते हैं? ये डिलीवरी होती तो अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाई? अस्पताल ले जाते तो डिलीवरी हो जाती, आराम से सुरक्षित रहती। तो आरोप लगाते तो बाद में क्या करते हैं? वही रहता है 10-12 लाख का, तो फिर गांव को चंदा करना पड़ता है, चढ़ोतरा हो जाता है, तो गांव को भी भागना भी पड़ता है, आमने सामने लड़ाई भी हो जाती है, कई लोगों को तीर लगते हैं, कोई पत्थर लगता है, नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, मकान गिरा देते हैं, आग लगा देते हैं, लूटपाट करते हैं। तो दोस्तों ये थे गुलाब, जिनकी पत्नी के साथ, सीमा देवी के साथ ये घटना घटी, उनके बच्चे की मृत्यु रात को हो गई। इनके साथ हमने बातचीत की और पता चलता है कि केवल सड़क ना होने की वजह से यहाँ पर कई मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती। मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए ताकि इस गांव की जो समस्या है सड़क की, और सड़क के बाद जो बाकी समस्या का समाधान भी हो सके। तो आप बने थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।